हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं और यह हमारा पार्ट वन रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, विद्युत बल्ब बदलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 2, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है। हमें बताना है कि आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है। तो आवेग को बल गुणित समय से परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, आवेग को बल गुणित समय से परिभाषित किया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 3, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से 2 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान तथा समय। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 जो मूलभूत राशियां होती है उसमें से 2 द्रव्यमान तथा समय है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5, प्रश्न 5 क्या कह रहे कि फ्यूज में प्रयुक्त तार का क्या होता है। तो फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफी कम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्यूज में प्रयुक्त तार का जो गलनांक होता है काफी कम होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 6, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था। हमें बताना कि बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था। तो इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रमाणित किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7, निम्न में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है। मायोपिया दोष को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अवतल लेंस के प्रयोग से। मायोपिया के दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8, लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गैल्वेनोमीटर। लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने के लिए गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9, श्रव परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चमगादड़ों में होती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में किस कारण ज्यादा ठंडी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विकिरण के कारण। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो डायनेमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12, स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण क्या है। हमें बताना कि स्वच्छ आकाश में नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है। तो यह है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश में जो नीला रंग होता है वह प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13, रात्रिदर्शी उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14, घर्षण से क्या उत्पन्न होता है। हमें बताना कि घर्षण से क्या उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऊष्मा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15, ध्वनि किसके माध्यम से गमन कर सकती है। हमें बताना कि ध्वनि किसके माध्यम से गमन कर सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये इन सभी माध्यमों में से। तो ध्वनि जो होती है गैस, तरल और ठोस, इन तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल क्या करता है, हमें बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो जो गुरुत्व बल होता है वह
गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17, ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इस्पात में। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18, एक अश्व शक्ति बराबर है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? हमें बताना कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20, इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? हमें बताना कि इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बस। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21, पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उच्चता पर दबाव कम रहता है। पहाड़ी तल में पानी जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि उसका जो दबाव होता है वह कम रहता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22, भवन में प्रयुक्त तड़ित चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तड़ित को सुरक्षा पूर्वक जमीन में चालित करते हुए। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23, महिलाओं के स्वर का पिच साधारणतया क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुरुषों से ज्यादा होता है। महिलाओं के जो स्वर का जो पिच होता है पुरुषों से ज्यादा होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25, सितार परिवर्तित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो यह था हमारा भौतिक विज्ञान का पार्ट 1। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।